देहरादून से चाकुलिया साइकिल यात्रा कर पहुंचे अंकित दास का चाकुलिया में भव्य स्वागत। देहरादून के अंकित दास पिछले 11 सितंबर को देहरादून से साइकिल यात्रा कर निकले थे। पर्यावरण को संरक्षित रखने का उद्देश्य लेकर एक महीने से सफर में अंकित दास ने अलग अलग जगह पर लोगों को प्रोग्राम करके जागरूक भी किया। एक महीना साइकिल यात्रा कर उत्तर प्रदेश बिहार के रास्ते अंकित दास पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला अंतर्गत चाकुलिया पहुंचे। अंकित दास चाकुलिया शुभोजयन वेलफेयर सोसाइटी संगठन के सदस्य भी हैं। बुधवार को अंकित दास के स्वागत के लिए चाकुलिया शुभोजयन वेलफेयर सोसाइटी संगठन की अगुवाई में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहाँ अंकित दास का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में यात्रा में लाई गई साइकिल अंकित दास ने बहरिया के जोगेश चंद्र को गिफ्ट कर दिया। अंकित दास का मात्र एक लक्ष्य है, पर्यावरण को संरक्षित करना और लोगों के बीच ये वार्ता पहुंचाना। सुनिए अंकित दास ने और क्या कहा। तो इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य बहुत ही साफ है कि पर्यावरण के साथ ही हम लोगों का अपना अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को बचाने के लिए हमें दो काम जरूरी हैं। एक है बड़े जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनका कटाव रोकना लगाने के साथ साथ, और दूसरा जो है वो है कि इस विषय को हमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनाना है, जिससे कि इस पे और चर्चा हो सके और जो युवा है वो इस पे और अग्रसर हो सके। पर्यावरण को संरक्षित करना ही आपका मूल उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण से मतलब हमारा संरक्षण है, मैं ऐसा कहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हम अभी इसको धीरे धीरे छूटता जा रहा है और साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही है, तो मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आपको गर्मी महसूस हो रही है, कल यही गर्मी 5 डिग्री और बढ़ जाएगी, तब आप रोकने के लिए समर्थ नहीं रहेंगे। तो आज वो समय अभी भी है कि हम इसको बदल रोक सकें इस चीज़ को। मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे गाँव का वातावरण ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब शहरों में तो और भी ज़्यादा गर्मी है, प्रदूषण है, तो वैसे भी मैं गाँव में रहना पसंद ज़्यादा करता हूँ, तो अच्छा लग रहा है।